मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छतरपुर में काठन वृहद सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया और किसानों की खराब हुई फसलों का आकलन कर उनको मुआवजा देने का निर्देश दिया। इस दौरान शिवराज ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ हमेशा एसी में बैठकर फंड का रोना रोते रहे, लेकिन उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शिवराज के कार्यों की तारीफ की। यूं तो अभी उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, मगर माहौल वैसा ही दिख रहा है। बड़ा मलेरा में शिवराज सरकार जनता को लुभाने के लिए तमाम सौगात देकर अपनी ओर आकर्षित करने में लगी है। लिथौरा में शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा दौरे पर पहुंचे और लंबे समय से पेंडिंग में पड़ी काठन बृहद सिंचाई परियोजना की आधारशिला रखते हुए कई और निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। लेकिन भाषण शुरू होने से पहले किसान अपनी खराब हुई फसलों को लेकर शिवराज के पास पहुंच गए और विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद पिछड़ा वर्ग के छात्रों ने हाथों में तख्तियां दिखाकर पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद शिवराज ने किसानों को मुआवजा देने की बात कही। इस दौरान शिवराज ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ ने हमेशा बजट नहीं होने का रोना रोया और जनता के कार्य नहीं किए। पैसा नहीं है, चलो 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 चलो, टाइम ही नहीं है, तो प्रधान मोदी ने दे दिया कमलनाथ, चलो 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 चलो। अब हमारे पास उनके पास विकास के लिए टाइम नहीं था, उनके पास जन कल्याण के लिए टाइम नहीं था। और मैं आज बताना चाहता हूँ, इतनी बड़ी संख्या में मेरी बहनें बैठी है, मेरे भाई बैठे, किसान भाई लोग, इन्हें वचन दिया था सबका कर्जा माफ करेंगे 2 लाख रुपए तक, और कितने दिन के अंदर 10 दिन के अंदर, बताओ सबका 2 लाख तक का कर्जा माफ हुआ क्या? 15 महीनों में किसान भाइयों की जहां फसल खराब हुई है पूरा सर्वे किया जाएगा और सर्वे करके जिनकी फसलों का नुकसान हुआ है राहत की राशि दी जाएगी। चिंता मत करना मेरे किसान भाई, और यह फसल बीमा हुआ है कि नहीं, फसल बीमा की भी पूरी चिंता कर ले, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करवा ले ताकि कोई किसान परेशान ना रह जाए। अब कमलनाथ की सरकार नहीं है, अब बीडी उमा भारती की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देगी। वहीं उमा भारती ने भी शिवराज सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि जैसी सरकार शिवराज सिंह ने चलाई है वैसी सरकार वह स्वयं भी नहीं चला पाती। उन्होंने कहा कि यदि कमलनाथ विधानसभा में बहुमत साबित करने की कोशिश करते तो वे कांग्रेस के 40 विधायक विधानसभा में ही बीजेपी के पाले में आ जाते। ये बात बहुत ही साफ मन से और सच्चे मन से कह रही हूं कि जितनी अच्छी सरकार शिवराज जी ने चलाई उतनी अच्छी शायद मैं भी नहीं चला सकती थी, कितने अच्छे ढंग से उन्होंने सरकार चलाई। और मैंने ये भी देखा कि जो मैं सोचती थी कि ये सरकार तपस्या से बनी है, परिश्रम से बनी है, तो शिवराज जी ने भी इस सरकार चलाने के लिए जो रास्ता अपनाया वो तपस्या का ही था, परिश्रम का ही था, और इसलिए वो बड़े ग्रस्त थे। लेकिन ग्रस्त होते हुए भी 40 से 50 से ज्यादा विधायक उधर से इधर आ गए होते, वही विधानसभा के अंदर उधर से इधर आ गए होते, ये स्थिति बनने वाली थी। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं
दखल न्यूज़।